क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों जी रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, हम रसगुल्ला खाने के लिए जी रहे हैं, पिज्जा खाने के लिए जी रहे हैं, घड़ी पहनने, मोबाइल खरीदने, कार में घूमने, हवाई जहाज की सैर करने और लैपटॉप नेट पर रिचार्ज करने, घर की बिजली बिल भरने, अपने बच्चों की फीस जमा करने, लड़की की शादी करने, या बैंड में नाचने के लिए जी रहे हैं। हम मकान बदलने, खरीदने, उसको बनाने के लिए जी रहे हैं। हम भारत की राजधानी कौन सी है, किसको कितने वोट मिले, मंत्री जी क्या कर रहे हैं, या पला सीरियल में किसने क्या कपड़े पहने थे, देखने के लिए जी रहे हैं। किसको कितने रन मिले, कौन आउट हुआ, ये मैच देखने, जानने के लिए जी रहे हैं। लिपस्टिक बिंदिया या काजल लगाने, या पासपोर्ट बनाने के लिए जी रहे हैं। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए जी रहे हैं। उसके पास कितना धन, कितनी प्रॉपर्टी है, ये जानने के लिए जी रहे हैं। हम माया की तमाम चीजों को अपना बनाने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए जी रहे हैं। मेरी बात आपके समझ से ऊपर न जाए, क्योंकि एक जड़ ही जड़ को ज्ञान दे तो ज्ञान लगना इतना स्वाभाविक नहीं, इतना आसान नहीं। कंकाल का ज्ञान कंकाल के लिए समझना तभी संभव होगा जब ज्ञान प्राप्त करने वाला भी महसूस करे कि वो भी एक कंकाल है। यू आर ए स्केलेटन, आप एक कंकाल के सिवा कुछ नहीं। जब उसको ये समझ आ गई कि वो भी एक कंकाल है तो लग गया कंकाल का ज्ञान। अब ज्ञान लगा तो मूल अस्तित्व समझ में आ गया। जब मूल हाथ लगा तो उस पर चढ़ा माया का आवरण हटने में देर नहीं होगी। तब माया की परत हटेगी तो समझ में आएगा कि कंकाल किस माया जाल में था। पेज नंबर 105 ऑडियो के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे वो शब्द जो 9 साल की तपस्या में मैंने मुंबई में लिखे, आज शादी में जाना, कल सवाई में, परसों पिक्चर, नरसों बच्चे को स्कूल ले जाना, आज कॉलेज जाना, कल ट्यूशन, परसों दूसरे शहर, सुबह दुकान, आज ऑफिस जाना है, आज ऑफिस जाना है, शाम को घर पार्क जाना है, नरसों बियर बार, दामाद आ रहा है, उसकी सेवा करनी है, होटल जाना है, कल उनको मारेंगे, परसों उसको समझाएंगे, आज मीटिंग करेंगे। कितने फंसे हुए हैं हम, क्या कभी कोई मीटिंग या चर्चा या वार्तालाप या सफर खुद का खुद से खुद तक नहीं होगा? कब ये नहीं समझ पाएंगे कि शरीर के भीतर एक कंकाल है? सारा दिन, रात, महीने और वर्षों ये तमा छोकरी में बीते, कितना सुख भोगे, कितना दुख भोगे, क्या मिला, क्या गंवाया, क्या है नहीं, क्या औरों की भी यही रिपोर्ट हमारे पास आनी चाहिए। वो कितना दुखी है, कितना सुखी, कितनी संपदा के मालिक है वो, उनकी जानकारी लेते डाई लगने लगी बालों में, गोलियां खाने लगे डायबिटीज की, चश्मों के नंबर बदल दिए गए, मोतियाबिंद हो गया, पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो गई, दांत नकली लगवाने लगे, स्क्रूट कैनल हो गया, फ्रैक्चर हो गए, घुटने कमजोर हो गए, लगने लगा कि जन्मदिन मना रहे, जबकि मौत का एक दिन नजदीक आ गया। इतनी नोटिसें काफी नहीं? दादाजी का फोटो टन गया, दादी की तेरी बना ली, पिता के फूल डाल के आ गए नदी में, मां का श्राद्ध कर दिया, बड़े भाई की दुर्घटना की खबर आ गई, छोटे भाई ने फांसी लगा ली, बड़ी बहन घर से भाग गई, आज तक नहीं मिली कहां गई, छोटी बहन को किसने गोली मार दी, मामा ने कुएं में छलांग लगा दी, मामी ने जहर खा लिया, चाची विधवा हो गई, बुआ को जेल हो गई, दोस्त ने पाइजन कर लिया, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, पति बीमार बिस्तर पर पड़ी है, बच्चा अस्पताल में, बच्ची को पोलियो हो गया, बहन की बेटी को कैंसर से पीड़ित, भतीजी हार्ट की पेशेंट, भतीजा एड्स का मरीज, क्या है? यही लगता है मीडिया न्यूज बता दिया, न्यूज पेपर पत्रिकाएं छाप किया, फिर सुनते हैं किसी के मुंह से इस तरह की जानकारी, फिर भी माया से निकलना नहीं चाहते, लगता है हमारे हम दूसरों की अड़चनों की लिस्ट बनाने का काम हमें मिला है, तो यमराज ने कमीशन पर रखा है रिपोर्ट के लिए, तो भूल जाओ ये सब, यही अज्ञान है, कल इन समाचारों में कोई और थे, आज हम नहीं, तो क्या परसों नंबर लग तो सकता है? इस दुख को झेलने का सावधान होना है, किस माया से जो हमें छल रही है शक्ति से दूर करती जाए, हमारी मानवता खत्म करी, और ऐसी माया माया न होकर नागिन का रूप है, जिसको पालते पालते हमें एक दिन ऐसा जैसे कि याद नहीं समझेंगे कि महज हमें कंकाल है, तो एक दिन समझ आ जाएगा कि कंकाल किस माया जाल में। दोस्तों, आप अपने विचार मुझे जीमेल कर सकते हैं, dinesh@mumbai.com, फेसबुक पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद इस ऑडियो को सुनने के लिए।